आज हम शुरू करें आधुनिक भारत। आधुनिक भारत, अरे बात सुन लो बड़े ध्यान से, आधुनिक भारत, आधुनिक भारत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरे इतिहास में। अगर आप एग्जाम आधुनिक भारत को ही अच्छे से पढ़ जाओगे तो कम से कम यह है कि आप 55% सेक्शन कवर कर जाओगे इतिहास का, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास में जो पूछा जाता है ना वो आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसकी डेट आपको परेशान करती है, इसलिए तय बाई तय रखते जाना दिमाग में, और जितना पढ़ाऊं उसको ध्यान से समझना, सुनना अच्छे तरीके से। अगर आप एक बार ढंग से सुन लेंगे तो आपको चीजें आराम से याद रह जाएंगी, फिर आप किसी भी किताब से उठा के पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आराम से। तो ये आधुनिक भारत, देखो हमने थोड़ा सा, मैं आपको बैक में लेकर जा रहा हूं कि प्राचीन भारत में आप पढ़ते हो कैसे हमारे पूर्वज रहे, उन सब घटनाओं का वर्णन आपने पढ़ा, कैसे हम पर जो अरब के देश के लोग हैं वो कैसे हम पर आक्रमण करना शुरू किए। पूरे मध्यकालीन भारत में आप पढ़ते हैं कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में, अफगान, इराक, ईरान से आए और भारत में राज किया, मुगल कैसे भारत में आके राज किए। लगभग 1707 तक आपने औरंगजेब को पढ़ा, औरंगजेब तक आपने वो चीजें पढ़ी थी। लेकिन अब मैं आधुनिक भारत की बात करूं तो ये शुरू हो जाता है 1498 से ही। तो आधुनिक भारत का इतिहास, जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत शुरू होता है 1498 से। हम इसको 1498 ईस्वी से पढ़ेंगे और 1498 ईस्वी से हम इसको शुरू करके हम इसको पढ़ेंगे लगभग अभी तक। आज तक जो चल रहा है वो आधुनिक भारत ही है आज तक। लेकिन हम कहां तक पढ़ते हैं, जो प्रमुख घटना हुई है 1950 तक की, और उसके बाद एक दो जो भारत ने लड़ाइयां लड़ी हैं, कारगिल वॉर है, वो सब हम पढ़ते हैं, उतने पर हम आधुनिक भारत को छोड़ देते हैं। तो आधुनिक भारत का स्टार्ट होता है उस घटना से जब कोई यूरोपीय है, जब कोई एक यूरोपीय व्यक्ति भारत आता है। यूरोपीय कौन व्यक्ति भारत आता है, एक पुर्तगाल से, पुर्तगाल का एक आदमी भारत पहुंचता है और उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। तो ये जब घटना वहां से शुरू होती है जब वास्को डी गामा की भारत यात्रा है। वास्को डी गामा, अब वास्को डी गामा की जो ये यात्रा है वो इतनी आसान नहीं है जितनी आप पढ़ते हैं। वास्को डी गामा की यात्रा के बारे में ये कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंच रहा था तो उसको बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी। दरअसल क्या था, वो कैप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचा। वास्को डी गामा जब कैप ऑफ गुड होप पहुंचा था, ये आपको मैं बता दूं, लगभग ये वाला जो सेक्शन है ना, आप ऐसे समझें इसको, कुछ इस प्रकार का है, अपने यहाँ पे अफ्रीका है और यहाँ से वो चला था, ठीक है। तो वो ऐसे पहुँचते हुए भारत पहुँचा, तो वो यहाँ जब पहुँचा था अफ्रीका में तो उसको लगा वो इंडिया आ गया, उसको लगा वो इंडिया आ गया और वो बहुत खुश हुआ, वो झूम उठा एकदम, उसको ऐसा लगा कि उसने किला फतेह कर लिया और बहुत इजीली किला फतेह कर लिया और वो बहुत खुश हो गया, उसको लगा वो पहुंच गया। लेकिन जब उसने बाद में पता करा कि वो तो कैप ऑफ गुड होप है और उसकी खोज पहले ही की जा चुकी थी, अब उसको थोड़ी सी हताशा हुई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो फिर से आगे बढ़ा और वो यहाँ से आगे पहुंचता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। लगभग यहाँ पे आते आते एक भयंकर तूफान आता है, बहुत ही भयंकर तूफान होता है, उसमें उसकी नाव जो है वो टूट जाती है, नाव का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो लगभग पूरी तरह से टूट जाता है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। बाद में बरसात होना शुरू हो जाती है और वो बरसात इतनी भयंकर होती है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही होती है, उससे क्या होता है उसकी नाव डूबने लगती है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। वो कोशिश करता है कि मग से निकाल निकाल के पानी को बाहर करता रहे, लेकिन वो इतनी भयंकर होती है कि एक टाइम बाद वो रुकती नहीं है और उसकी वजह से उसको परेशानी होना शुरू होने लगती है और उसको लग रहा है कि अब वो डूब जाएगा, क्योंकि उसकी नाव नीचे जाने लगी थी धीरे धीरे, उसका जो वजन है वो बढ़ गया था और नाव नीचे बैठने लगी थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने जितनी भी रसद, जितनी भी खाद्य सामग्री थी, उसने सबको उठा के नीचे फेंकना शुरू कर दिया, एक एक करके। वो एक एक करके नीचे फेंकना शुरू कर देता है और उसकी नाव धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाती है। साइड बाय साइड वो जो है क्या करता है, उसमें से पानी भी बाहर निकाल रहा होता है और बड़ी मुश्किल से, अब उसको लग रहा है वो डूब जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि बरसात रुकने लगती है, उसका साहस बनता है, वो पानी को बाहर फेंकना शुरू कर देता है फिर से और अंततः वो अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। लेकिन उसके पास जो यंत्र था जिससे वो दिशा सूचक यंत्र जो था जिसे पता लगाता था, वो भी खराब हो चुका होता है। अब वो समझ नहीं आ रहा है वो उसको जाना कहाँ है और वो रास्ता भटक गया है पूरी तरह से। अब चार दिशाओं में उसको पास पता नहीं है, दिशा सूचक यंत्र काम नहीं कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है वो कैसे आगे बढ़े और कहाँ को आगे बढ़े, क्योंकि उसको पता नहीं है उसको जाना कहाँ है, वो यहाँ आके गुम हो गया है।
अब उसको पता नहीं उसको जाना किधर है, तो होता क्या है कि वो एक डायरेक्शन पकड़ के आगे बढ़ना शुरू कर देता है, आगे बढ़ना शुरू कर देता है, करता जाता है करता जाता है, काफी लंबा दूर तक चला आता है। लेकिन अब उसकी उम्मीद टूटने लगती है क्योंकि उसके पास खाने के लिए सामान भी नहीं बचा है, ना तो खाने के लिए कुछ है और ना बहुत दूर दूर तक कोई कोना नजर आ रहा है। अब उसको लगता है यार तू गलत आ गया, शायद तेरे को दूसरी साइड जाना था, तो तू गलत साइड आ गया है। अब वो सोचता है यार मैं वापस जाऊं, अगर मैं वापस जाऊंगा तो मुझे इतना ही टाइम और लगेगा, मतलब मुझे 5 दिन चलते हुए हो गया, अगर मैं 5 दिन वापस जाऊंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए। तो वो साहस जुटाता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन किनारा दूर दूर तक नहीं नजर आता है, होता है इसलिए उसका साहस टूटने लगता है। ठीक है, अब वो हिम्मत हार ही चुका होता है, वो खाना नहीं खाया है, पानी भी नहीं मिला है, बहुत बुरी हालत है, चले जा रहा है बहुत मुश्किल से। उसको कुछ दूर चलने के बाद, जब वो कुछ दूर चलता है तो कुछ दूर चलने के बाद उसको दिखता है एक जगह दिखाई देती है, एक टापू दिखाई देता है, वो बड़ा खुश होता है। वो बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वो वहाँ पहुँचता है, तो वो पता चलता है वो जो जगह थी वो ये ना होकर, वो इस डायरेक्शन में ना जाकर वो सही डायरेक्शन में पहुँचा था, और वो पहुँच गया था भारत। और इतना थका हारा इंसान जिस मंजिल की खोज में चला था, जब वो उस मंजिल पर पहुंच जाता है और वहां पता करता है ये कौन सी जगह है, जब उसको पता चलता है कि वास्तविकता में ये कालीकट बंदरगाह है केरल के अंदर, जब ये पता चलता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सारी भूख प्यास सब खत्म हो जाती है, और अंततः उसने उस जगह को खोज लिया जिस जगह को उसने जो है खोजने के लिए निकला था। इस तरह से भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा। इससे पहले कोई भी व्यक्ति भारत समुद्री मार्ग से नहीं आया था, इससे पहले कोई भी व्यक्ति भारत समुद्री मार्ग से नहीं आया था। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 1498 में वो कारनामा कर दिया जो कोई नहीं कर पाया था। 1498 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो कालीकट बंदरगाह पहुंचा केरल में। कालीकट कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहाँ स्थित है कालीकट बंदरगाह? केरल में। केरल में स्थित है, और उस टाइम पे केरल का कालीकट का राजा कौन था? राजा जमोरिन था। जमोरिन उस समय राजा था, जमोरिन। केरल कालीकट बंदरगाह पहुंचा, और राजा कौन था? राजा था भाई जमोरिन। जमोरिन के यहाँ पहुंचा, उसका बड़ा अतिथि सत्कार हुआ, उसने बताया कि वो पानी के रास्ते से आया, उसको बहुत ज़्यादा उसका आदर सत्कार किया गया, उसको रखा गया, बहुत अच्छे से उसको खिलाया पिलाया गया। 2-4-10 दिन वो आराम से रुका, जब तक उसकी नाव ठीक नहीं हो गई, जब तक उसको अच्छा लगा। बाद में उसकी विदाई के समय राजा जमोरी ने उसको बहुत सारे मसाले, क्योंकि केरल तो मसालों के प्रसिद्ध है, बहुत सारे मसाले दे दिए, और उसको नुकजी ये हमारे यहाँ की स्पेशलिस्ट है, यहाँ ये हमारे यहाँ की USP है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ये होता है, आप इसको ले जाएँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसको मसाले दे दिए जाते हैं, वो उनको लेके वापस चल देता है, पहुंच जाता है अपने वहाँ। बाद में पता करता है उन मसालों की कीमत वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लगभग यहाँ भारत में मसालों की कीमत और जहाँ इसको पुर्तगाल में मसालों की कीमत में ज़मीन आसमान का अंतर है, लगभग मतलब ये समझ लो 8 गुने का अंतर है। 1 रुपये की चीज़ 8 रुपये में है, इतना बड़ा अंतर है। तो इसी कारण से भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन शुरू होता है। रीज़न होता है व्यापार, और सबसे बड़ा रीज़न होता है मसाले, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी के मसाले इतने कम दाम पर कहीं अवेलेबल नहीं थे जो कि भारत के अंदर स्थित थे, इसलिए भारत में विदेशी आना शुरू होते हैं। और लगभग एक छत्र लगभग 100 साल तक राज रहता है पुर्तगालियों का, लगभग 100 साल तक राज रहता है पुर्तगालियों का। 1498 से लेकर लगभग 1600 तक कोई भी पुर्तगाली और कोई पुर्तगालियों के अलावा कोई नहीं आया। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत आते हैं, 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत आते हैं। उसके बाद 1602 में भाई डच भारत आ जाते हैं, 1602 में डच भारत आ जाते हैं। 1604 फ्रांस, 1664 में फ्रांस के लोग भारत आ जाते हैं। इस तरह से भारत में धीरे धीरे विदेशी यूरोपियन शक्तियाँ भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं, और उनका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है बच्चों व्यापार।
अब आप सोचने वाली बात है कि क्यों 100 साल तक कोई दूसरा व्यक्ति भारत में नहीं आ पाया, 1498 से 1600 तक क्यों कोई और नहीं आ पाया, आप इससे समझ लें। दरअसल क्या था कि पुर्तगाल अपने आप में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था, पुर्तगाल को टक्कर दे पाना असंभव सी बात थी। जैसे आज के टाइम पे यूएसए को आप मानते हैं, ऐसे ही उससे पहला एक छत्र राज रहा इंग्लैंड का, और इंग्लैंड से पहले एक राज हुआ करता था पुर्तगालियों का। पुर्तगाली अपने आप में बहुत कैपेबल थे, तो पुर्तगाली अपने आप में कैपेबल थे, इसलिए पुर्तगालियों के सामने कोई टक्कर लेने वाला कोई व्यक्ति था नहीं, जो कोई देश ऐसा नहीं था जो पुर्तगालियों की टक्कर ले सके, और जिन देश के साथ पुर्तगाल का व्यापार चल रहा है उन देश के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, इस तरह का था। और वैसे भी समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाल के द्वारा की गई, इसलिए पुर्तगाल ही उस पर डेली रूट पर पुर्तगाल ही चलता था, और पुर्तगाल ही पूरे दुनिया को मसाले बेचा करता था। अब पुर्तगाल के वहाँ से आने वाला जो पहला व्यक्ति था जो कंपनी की तरफ से आया, जिसने भारत में जो है पुर्तगालियों की तरफ से व्यापार करना शुरू किया, वो कौन था? अल्बू कर्क। पहला आदमी अल्बू कर्क था, पहला इंसान जो पुर्तगालियों की तरफ से आया मसालों के लिए, व्यापार के लिए, वो अल्बू कर्क था। लेकिन अल्बू कर्क का नाम उतना नहीं है, उसके बाद जो दूसरा है जो गवर्नर बना पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो बना वो है अल्मीडा। अल्मीडा एक जहाज का भी नाम है, पुर्तगालियों के जहाज का नाम भी अल्मीडा है, अल्मीडा, और दूसरा नाम है अल्बू कर्क, ठीक है। अल्मीडा इनके जहाज का भी नाम होता है, एक जहाजी बेड़ा हुआ करता था अल्मीडा, और वो एक वन मैन आर्मी होता था, उसमें सब कुछ था, तोप थे, बंदूकें थी, सब कुछ थे, और उसी से ये व्यापार किया करते थे। और इसको हरा पाना असंभव था, इसलिए जो है कोई भी दूसरा जहाज उस टाइम पे दिखाई नहीं देता था जब भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार होता था, ठीक। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाया, अपना एहसास दिलाया और भारत में व्यापार करने के लिए कोशिश किया, इसलिए 1600 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली, भारत में आधिकारिक घोषणा पत्र मिला ब्रिटेन की महारानी के द्वारा कि हाँ आप जा सकते हो, भारत में व्यापार कर सकते हो। ये आया कि भाई आप जा सकते हो, भारत में व्यापार कर सकते हो, उसी के लिए 1600 के बाद ही भारत में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ। और पहला अंग्रेज आया कैप्टन हॉकिंस आया 1609 में, वो 9 साल बाद 1609 में आया, 1609 में भारत आया कैप्टन हॉकिंस। कोई भी व्यापारिक छूट पाने में असफल हुआ, जहांगीर के दरबार में भारत आया था लेकिन कैप्टन हॉकिंस कोई भी छूट हासिल नहीं कर पाया। लेकिन बाद में 1615 में आया सर थॉमस रो। मैं नोट्स भेज दूंगा, आप बस सुनते रहें मेरी बात, मैं नोट्स भेज दूंगा, बस मेरी बात सुनते रहें। यहाँ पे आया था हॉपकिंस और यहाँ पे आया था सर थॉमस रो को इंग्लिश खां भी कहा जाता है। 1615 में आया सर थॉमस रो, ये भारत से व्यापारिक छूट पाने में सफल रहा क्योंकि ये जहांगीर के साथ कनेक्ट हुआ, ये जहांगीर की बेटी को जिसको जल गई थी उसके लिए स्कार की दवा लेकर आया, एक बात। दूसरा, जहांगीर के दरबार में रहा, उसके तौर तरीके सीखे, इसलिए जहांगीर ने सर थॉमस रो को इंग्लिश खां कहा। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की थी, सूरत ने, जबकि पुर्तगाली भारत में पहले आए। देखो बात समझो, ये क्या था, ये भारत का अंतिम नीचे का दक्षिणी हिस्सा है, तो ये क्या किए पुर्तगाल के लोग जो है वो कालीकट केरल में पहुंचे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया गोवा में, ये गोवा में शिफ्ट हो गए और इन्होंने अपना मुख्यालय गोवा में बना लिया, और इसलिए ये जो है गोवा से व्यापार करते रहे बढ़िया तरीके से। लेकिन अब गोवा तो इनके पास चला गया, तो बाकी ने क्या किया, इस हिस्से को ना पकड़ के अंग्रेजों ने पकड़ा इस हिस्से को, इस वाले हिस्से को पकड़ा, क्योंकि यहाँ तो गोवा में तो पुर्तगाली बैठे हैं, तो अंग्रेजों ने व्यापार के लिए चुना दूसरी साइड का हिस्से को। तो सबसे पहले सूरत में, गुजरात में पहली कोठी लगाई, लेकिन यहाँ गोवा में इनके साथ में पुर्तगालियों के साथ झगड़ा चलता रहता था, तो उसके साथ दिक्कत होती थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अपनी जगह को चेंज करके बाद में अपनी कोठियां इधर की साथ स्थानांतरित कर दी, इधर की साथ। इनका युद्ध चलता रहता था पुर्तगाल के साथ, पुर्तगालियों के साथ जो इनका सबसे बड़ा महासंग्राम था वो था स्वाली हॉल का युद्ध। पुर्तगालियों के साथ जो इनका सबसे बड़ा युद्ध चला वो था स्वाली हॉल का युद्ध
स्वालिहोल का जो युद्ध है वो अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के बीच लड़ा गया था, जिसमें स्वालिहोल, क्या नाम है बच्चों युद्ध का, स्वालिहोल, मैं यहीं लिख देता हूँ, स्वालिहोल का युद्ध। स्वालिहोल के युद्ध से अंग्रेज ज़्यादा ताकतवर हो गए, अंग्रेजों के जहाज रेड ड्रैगन ने पुर्तगालियों के जहाज अल्मीडा को परास्त कर दिया। इस तरह से अंग्रेज पावरफुली भी सक्षम हो गए और दुनिया को बता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो स्वालिहोल का युद्ध पूछ लिया जाए तो 1610 ईस्वी में हुआ, किस किस के बीच लड़ा गया, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच। इस बार अंग्रेज जीत जाते हैं, पुर्तगालियों को हरा दिया जाता है और इसी घटना के बाद स्वालिहोल के बीच संधि होती है और उस संधि में ये तय होता है कि आप व्यापार करेंगे लेकिन गोवा में स्थापित रहकर, आप माल कहीं से उठा लो लेकिन गोवा में ही अपने जो है स्थापित। इसलिए पुर्तगाल के लोग सिर्फ गोवा में ही इस्टेब्लिश रह गए। अब पूछा जाता है पेपर में क्वेश्चन कि पुर्तगालियों की नाकामयाबी का कारण क्या था। पुर्तगालियों की नाकामयाबी का कारण माना जाता है उनका हेडक्वार्टर गलत जगह होना, उनका हेडक्वार्टर गलत जगह था, जबकि अंग्रेजों ने अपना कई जगह यहाँ से शुरू करते हुए ये पूरा धीरे धीरे पूरा जो है इंडिया तक को पूरा मतलब सेक्शन ये मान लो आप कब्जा लिया था धीरे धीरे। तो ये सबसे बड़ा है गोवा पुर्तगालियों की भारत में नाकामयाबी का कारण है उनका हेडक्वार्टर गलत जगह होना। अब अंग्रेज कैसे बढ़े, आए तो डच भी थे, ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा नहीं है डचों का इतिहास। फ्रांसीसियों ने भी भारत में अच्छा जोर लगाया 1664 में, लेकिन 1664 में, लेकिन बाद में जो है वांडीवास के युद्ध के बाद भी फ्रांसीसियों को भी भारत में एक निश्चित जगह स्थापित कर दिया गया। वांडीवास का युद्ध हुआ फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच वांडीवास का युद्ध होता है, उसमें इनके बीच संधि होती है और फ्रांसीसी केवल पुद्दुचेरी में व्यापार करेंगे, उनका स्थायी जगह पुद्दुचेरी होगी। तो ये फिक्स कर दिया गया, इनके हाथों को बांध दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब अंग्रेज इतने सफल कैसे हो गए भारत में, अंग्रेजों की सफलता का कारण क्या है, उन्होंने ऐसा क्या कर लिया कि वो भारत में इतना कामयाब हुए, ठीक है। तो इस पे पहले तो दो चार चीज़ें, वांडीवास का युद्ध कब हुआ 1760-61, इसमें ये किसके बीच है ये भी लिख लो। स्वालिहोल का युद्ध किसका है, अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच लड़ा गया, अंग्रेज और पुर्तगाल, जिसमें अंग्रेज जीचे पुर्तगाली हार गए 1760-61। एक और है 1760-61 में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया। वांडीवास का युद्ध किस किसके बीच हुआ, अंग्रेजियों के बीच, अंग्रेज और फ्रांस के लोगों के बीच, फ्रांसीसियों के बीच, जैसे भी लिखा जाएगा आप सही लिख लेना, ठीक है, फ्रांसीसियों के बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें अंग्रेज हार गए, फ्रांसीसी लिमिटेड हो गए, कहाँ पे लिमिटेड हो गए, सिर्फ पुद्दुचेरी में ये बस कर रह गए। और ऐसे ही ये स्वालिहोल के युद्ध के बाद जो पुर्तगाली हैं वो कहाँ रह गए, सिर्फ गोवा में। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली और भारत से सबसे बाद में गए कौन, पुर्तगाली, वो अपना व्यापार ही पर फोकस रहे। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज हमारी राजनीति में घुस गए और राजनीति में घुसने के बाद जो उन्होंने तहलका मचाया है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत में क्या था, लगभग इन्होंने 100 साल तक, ठीक है। एक और चीज़, लास्ट क्वेश्चन और है, पुर्तगालियों की भारत में देन किस किस चीज़ की है। तंबाकू कहाँ से आया भारत में? पुर्तगाल से। चर्च भारत में कहाँ से आए, पुर्तगाल से। छापे खाने भारत में कहाँ से आए, ये भी पुर्तगाल से आए। तंबाकू, चर्च, छापे खाने और भाई साहब आलू, जो हर चीज़ में मिला देते हो, तंबाकू, चर्च, छापे खाने और आलू, जो छापे खाने, प्रिंटिंग प्रेस जो है। तो तंबाकू, चर्च, छापे खाने और आलू, ये चार चीज़ें पुर्तगालियों की देन है भारत में। इन चार चीज़ों में पुर्तगाल से आई, तंबाकू भी, चर्च भी, छापे खाने भी, आलू भी पुर्तगाल से भारत में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंग्रेज क्यों कामयाब रहे, अपने गलत तरीके के व्यापार रणनीतियों में क्यों कामयाब हो गए। दरअसल 1600 से लेकर आप देखते हो और 1700 तक, क्योंकि उस दौरान सभी लोग व्यापार कर रहे थे तो अंग्रेजों के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से व्यापार ही किया गया
1600 से 1700 तक, इसमें ज़्यादा कुछ इनका हस्तक्षेप नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे वो 100 साल लगा उनको, जैसे जैसे वो भारत के माहौल को समझने लगे और वो भारत की रणनीति में घुसना शुरू हो गए, ठीक है, इतना एक बार फटाफट से देख लो, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ आगे की कहानी, कैसे कैसे अंग्रेज भारत में शुरू हुए। ठीक है, आप देख लेना, शायद आपको क्लास मिल जाएगी ऑनलाइन में। थोड़ा सही है, दो बोतल लेकर आए तुम घर से, दो बोतल लेकर आए करो, गलत चीज है। ये हुआ अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध, अंग्रेज और डचों के बीच, इसमें डच हार गए, अंग्रेज जीत गए, इस तरह से डचों का भी अस्तित्व खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो तीनों को हरा दिया, फ्रांस के लोगों को भी, डचों को भी और पुर्तगाल को भी। इस तरह से 1759 तक पूरी तरह से अंग्रेज ताकतवर बन गए हैं। अब कोठी कहाँ कहाँ स्थापित की, पहली कोठी मुसलीपट्टनम में लगाई अंग्रेजों ने। दो चार पांच क्वेश्चन है, फटाफट से लिख लो, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। पांच क्वेश्चन लिखना जरूरी है, फिर हम जो है आगे शुरू करेंगे। ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लिख लेना है, फटाफट से लिख लो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, आप बस लिख लो फटाफट से। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की, मुसलीपट्टनम, में कब, 1611 में, 1611 में मुसलीपट्टनम, पहली व्यापारिक कोठी मुसलीपट्टनम में स्थापित की। प्रथम अंग्रेज जो भारत आया, कैप्टन हॉकिंस, यहीं पे लिख दो, कैप्टन हॉकिंस भारत आया पहला अंग्रेज, और दूसरा अंग्रेज कौन भारत आया, सर थॉमस रो, ये भी क्वेश्चन लिख देना, कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। ठीक है जी, ये नोट्स में मिल जाएगा, मैं यहां से लिख रहा हूं दोबारा से, ताकि क्वेश्चंस आपको बता सकूं, चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूं। अगला क्वेश्चन एक और लिख दो, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस और दूसरा सर थॉमस रो, यह भारत में थोड़ी सी व्यापारिक छूट पाने में सफल रहा। 1615 में सर थॉमस रो आया, यह भारत में व्यापारिक छूट पाने में सफल रहा। आप लिख लो इसको फटाफट से, कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान 1632 मैं बोल रहा हूं, 1632 गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान प्राप्त करने में सफल हुए अंग्रेज। पहला पॉइंट, मैं इनको सबको कनेक्ट करूंगा आपको, बस एक एक बार आप लिख लेंगे। 1632 गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान पाने में सफल रहे, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान पाने में सफल रहे कौन, अंग्रेज। इनसे 500 पैगोडा वार्षिक पर गोलकुंडा राज्य पर बंदरगाह ले लिया इन्होंने, ठीक है। इसने क्या किया, गोलकुंडा बंदरगाह को किराए पर ले लिया 500 पैगोडा रुपया, तरह से मान लो 500 पैगोडा वार्षिक किराए में गोलकुंडा बंदरगाह को ले लिया।
गोलकुंडा बंदरगाह को किराए पर ले लिया इन्होंने। सबसे पहला पॉइंट गोलकुंडा बंदरगाह, व्यापार के लिए बंदरगाह चाहिए ना, तो पहला बंदरगाह इन्होंने ले लिया गोलकुंडा बंदरगाह 500 पैगोड़ाओं में 1632 में। किससे ले लिया, किससे ले लिया भाई ये गोलकुंडा से ही ले लिया। दूसरा मद्रास को पट्टे पर ले लिया, मद्रास 1639 में फ्रांसीसी डे ने 1639 में फ्रांसिस डे ने 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया, मद्रास मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टा मतलब किराया, मद्रास को पट्टे पर ले लिया 1639 में, 1639 में। ठीक है जी, और यहां एक किलाबंदी कर दी और फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना लिया यहां, इसको मद्रास को बाउंड्री कर दी, चारों ओर से मद्रास को घेर लिया और घेरने के बाद वहां एक किला बना लिया और उस किले का नाम बना फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बना दिया इन्होंने। इस मद्रास में जो किला बनाया उसका नाम पड़ा फोर्ट 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 सेंट जॉर्ज। ठीक है, 1661 पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर लिया 1661 में, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर ली। किसने, राजकुमार ने, कहां के, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने। कैथरीन से शादी कर ली किसने, चार्ल्स द्वितीय, मैं इनको कनेक्ट करूंगा सबको, चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन ब्रिगेंजा से शादी कर ली चार्ल्स द्वितीय ने, और वहीं से इनको मुंबई मिल गया दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिल गया भाई। पहले पुर्तगालियों के पास था लेकिन मुंबई दहेज में मिल गया, किसको, चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई जो दहेज में मिला था इसको 10 पौंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। 10 पौंड तो कुछ भी नहीं होता, 10 पौंड के किराए पर 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। ये पॉइंट है जो आपको कनेक्ट करने हैं मुझे, एक बारी कर लो फटाफट से। कहां लिखूं, जगह दिख रहा है ऊपर, यहां दिख रहा है, यहां नीचे, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है फिर बाद में दिक्कत होगी, आप लोग बाद में देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं मिटा दूं इधर से, हाँ इधर से मिटा देता हूं मैं, तो बाद में 1698 में अब तीन गांव भी किराए पर ले लिए 1200 रुपया में, अब रुपया पर आ गए। तो ये इनके तरीके हैं जो धीरे धीरे मैं इनको सबको कनेक्ट करूंगा, अभी आपको बस समझते जाओ। 1200 रुपये वार्षिक किराए पर, 1200 रुपये, अरे ये ऐसे गांव लेते थे जहां समुद्र नदी कुछ होता था, जहां से माल ले जा सकें, तो ये ऐसा काम कर रहे थे। 1200 रुपये वार्षिक किराए पर, हाँ 1200 रुपये वार्षिक किराए पर 1698 में तीन गांव कौन कौन से, एक सूती नाता, दूसरा सूती नाता के साथ में दूसरा गांव कालीकट और गोविंदपुर। एक तो कालीकट ले लिया, सूती नाता और गोविंदपुर,
किराए पर ले लिया, मैं बताऊंगा इन चीजों को, किराए पर ले लिया। ठीक है जी, बाद में इन्हीं तीनों से मिलाकर कोलकाता शहर बना। बाद में इन्हीं तीनों से मिलाकर कोलकाता शहर बना, जिसकी नींव या जिसके वास्तुकार जॉब्स चारनॉक हुए। बाद में जॉब्स चारनॉक इसी के वास्तुकार हुए। अब मैं इसको एक बार कनेक्ट कर देता हूं आपको सारे को फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। बाय देख लेना एक बार इसको फटाफट से, अगर आपको कुछ दिक्कत रह जाए तो दोबारा पलट के देख लेना पन्नों को, आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल क्या था, सबसे पहले शुरुआत हुई थी बीजापुर गोलकुंडा से शुरुआत किया अंग्रेजों ने 1632 में। भारत में आए पहले क्या करा, एक बंदरगाह लिया, वहीं पे अपना मुसलीपट्टनम में उन्होंने किराए पर ले लिया, उससे व्यापार करना शुरू किए। बात सुनना, लेकिन सबसे बड़ा इनको अवसर मिला 1632 में, जब इन्होंने पूरा एक बंदरगाह किराए पर ले लिया, गोलकुंडा बंदरगाह किराए पर ले लिया। सुनहरा फरमान मतलब सुनहरा अवसर, इसको सुनहरा अवसर कहा अंग्रेजों ने। 500 पैगोडाओं में गोलकुंडा बंदरगाह किराए पर मिल गया, तो ये शुरू में इन्होंने अपना किराए पर चीजें लेकर अपना व्यापार करना शुरू किया था। ठीक है, सबसे पहला उसी के तहत इन्होंने 500 पैगोडाओं में गोलकुंडा बंदरगाह को ले लिया था। 1639 में फ्रांसिस डे, अंग्रेज हैं ये, है ना, इन्होंने क्या किया, मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की किले की स्थापना की। उसके बाद 1661 कुछ समय बाद पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा के साथ चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, जो मुंबई दहेज में मिला, उसी मुंबई को जो दहेज में मिला था वो लगभग फ्री से, मैम ना के बराबर किराए पर, 10 पौंड क्या होता है, लगभग बिना किराए के, लगभग थोड़ा सा किराया, एक नाम मात्र का किराया लेके 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये मद्रास चेन्नई पूरा इनके पास में आ गया, इस तरह से इनका मुंबई इनके पास में आ गया, और यहाँ से सूती नाता और कालीकट और गोविंदपुर ये भी इनके पास में, इन्होंने क्या कर दिया, 1200 रुपया किराए में इसको भी ले लिया, और इन्हीं से इन्होंने कोलकाता बनाया। अब आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ है तीनों चीजें, कहाँ गोलकुंडा कर्नाटका में है, कर्नाटका, कहाँ मद्रास चेन्नई है, कहाँ मुंबई है, और कहाँ कोलकाता है। लगभग आप ऐसा समझें, ये अगर भारत का मैप आप मान लें तो क्या क्या हुआ, ये मुंबई हो गया, ये मद्रास हो गया साहब, यहाँ कोलकाता हो गया, और ये कर्नाटका यहाँ हो गया। जहाँ जहाँ बचे, जहाँ जहाँ भी बंदरगाह हो सकते हैं, उन सब जगहों पर इन्होंने अपने बंदरगाह बना लिए। अब ये सब जगह से व्यापार करना शुरू किए। अब तक व्यापार कर रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं थी, भारतीयों को भी प्रॉब्लम नहीं थी, चलो किराया मिल रहा है, व्यापारी तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अंग्रेज भारत की राजनीति में कैसे घुस गए, 1200 रुपए किराए में इन्होंने बना दिया कोलकाता, 1200 रुपया किराए में इन्होंने बना दिया भाई कोलकाता, मद्रास को इन्होंने पट्टे पर ले लिया, मुंबई इनको दहेज में मिल गया, और उन्हीं से इनकी तीन अलग अलग प्रेसिडेंसियां बनी फेमस, एक मद्रास प्रेसिडेंसी बन गई, एक मुंबई प्रेसिडेंसी बन गई, और एक कोलकाता प्रेसिडेंसी बन गई। भविष्य में चलकर यही इनको यहाँ पे पैर जमाने के काम आए। अब कैसे राजनीति में घुसते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। समझ में आ गए यहां तक का, अब अंग्रेजों की असली कहानी जो शुरू होती है। क्या बोल रहे हो, स्वाली होल में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसको अंग्रेज जीत गए। पहले इन्होंने विदेशियों को हराया, फिर भारत में किराए पर चीजें ली, और किराए से धीरे धीरे भारत के टैक्स सिस्टम में ये घुस बैठे। ठीक है, चलो उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। सबसे पहले अभी 1700 तक, आप मैंने बोला था आपको 1700 से लगभग 1750 तक अंग्रेजों का कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं देखोगे तुम। इन्होंने यहाँ पे हमारी राजनीति को समझा और ये समझ चुके थे।
उसके बाद इनकी सबसे बड़ी घटना है 1757। 1757 से पहले भी 1757 प्लासी का युद्ध, 1757 प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। अब अंग्रेज लड़ना शुरू कर दिए भारत में, अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये, अंग्रेज नहीं कहूंगा मैं इनको। 1757 प्लासी का युद्ध सबसे जो घटना जो आपको समझने वाली चीज है। प्लासी के युद्ध से भी और पहले, प्लासी के युद्ध से भी पहले है क्या, एक दो साल पहले की घटना 1756, एक साल पहले 1756 में एक घटना घटी, उसको कहते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना, दरअसल क्या था, बंगाल की बात हम कर रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल कोलकाता है और ये अपना इन्होंने गढ़ बनाया कहाँ पे, कोलकाता में। तभी तो सूती नाता, सूती नाता और क्या तुम्हारा गोविंदपुर और कालीकट को मिला के इन्होंने क्या किया, बाउंड्री कर दी और कोलकाता बना लिया। और कोलकाता भी ऐसा वैसा नहीं बसाया था, कोलकाता का एक हावड़ा ब्रिज है जो इन्हीं के टाइम का है, वो ये कहते हैं कि वो कनेक्ट करता था अलग को, नदी को अलग से कनेक्ट करता था। तो वो क्या करते थे, सिक्योरिटी पर्पज से वो जो पुल था वो बंद हो जाता था, उसमें चाबी लगती थी, वो रात को बंद हो जाता था। मतलब उस कोलकाता को बाउंड्री इस तरह से हो रखी थी कि उसमें बस अंग्रेज रहेंगे, उन पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, वो पुल बंद हो जाता था। ऐसा पुल था हावड़ा का ब्रिज, अभी भी है हावड़ा का ब्रिज। रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन उतरोगे तो सबसे पहले हावड़ा ही ब्रिज पड़ेगा, ठीक है। तो उसका जो, अब तो वो परमानेंट है, उसका चाबी सिस्टम अब तो नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ पुल है और वो बंद हो जाता था, अंग्रेज सेफ रहते थे उससे, ये है। और रास्ता यहीं से है और ये पुल उठा देते थे ये, तो ये भी कट जाता था, इस पर कोई हमला नहीं कर सकता था, इस तरह की व्यवस्था इन्होंने बनाई थी। तो हुआ क्या था, 1756 काल कोठरी की घटना, ये बंगाल के अंदर की घटना है। बंगाल में क्या हुआ था, बंगाल का नवाब था उस दौरान, बंगाल का नवाब उस दौरान कौन था, उस दौरान बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब होता था। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया, इनको किराए पर तो दे ही रखा था, पहले से इनके यहाँ पे किराया चल रहा था, तो कंपनी ने क्या करी, तोप मंगवाई। पहले तो बंदूकधारी लोग थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया, तोप मंगवा ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तोप मंगवा ली और वो अपनी अपनी जो किले की दीवार जो थी उस पर लगवा दी। दरअसल क्यों लगवाई, दरअसल इनका फ्रांसीसियों से आए दिन झगड़ा चलता रहता था। आपको पता है 1760 की ही बात है, आपको मैंने बताया 1760, आपको मैंने लिखा था यहाँ पे जहाँ इनका पुर्तगालियों से वांडीवास का युद्ध हुआ, तो वो घटना कब की है, वो घटना भी तो यहीं की है 1760-61। 1760-61 ही तो वांडीवास की घटना है जो फ्रांसीसियों के साथ इनका आक्रमण हुआ। अब 1760-61 की घटना ये और 1756 की घटना ये है। तो उस दौरान पुर्तगालियों और उस दौरान फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच आपस में अच्छी कसमाकस चल रही थी। हम फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, पुर्तगाल तो खत्म हो गया है। तो फ्रांसीसियों के बीच, और एक और बात बताऊं, भारत पाकिस्तान कहा जाता है इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में, इंग्लैंड और फ्रांस आपस में भारत पाकिस्तान जैसे हैं, उनके बीच हमेशा कसमाकस चलता रहता था। उस दौरान तो अच्छा खासा लड़ाई चल रही थी, तो अंग्रेजों ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने किले के चार दीवारी पर तोप लगवा ली। क्या लगवा दी, तोप। और वहां का जो नवाब होता था उस दौरान, वहां का नवाब था सिराजुद्दौला। ये बात सिराजुद्दौला को पता चलती है। सिराजुद्दौला का एक चाटुकार, सिराजुद्दौला का एक कोई अच्छा चापलूस वहां से निकला हुआ जा रहा था, उसने देखो अरे अब तो तोप लगवा दी, क्या बात है, बहुत बढ़िया, महाराज से तो पूछा भी नहीं इन्होंने, महाराज से तो बिना पूछे इन्होंने ऐसा कैसे कर लिया। वो पहुंच गया, महाराज गजब हो गया आज तो, अरे क्या हो गया, कमाल कर दिया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, आपके राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है, क्या हो गया बता तो सही, जी कमाल हो गया, अरे नुका कमाल हुआ तो सही, हुआ क्या ये बता, नुका जी आपके महल की तरफ को तोप का मुंह है, है क्या बात कर रहा है, मतलब कहने का तरीका, आपके महल की तरफ को तोप का मुंह है। किसकी तोप का मुंह, मेरे महल की तरफ को है, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की तोप का मुंह आपके महल की तरफ को है, अंग्रेजों की तोप का, नुका जी उन्होंने अपने किले के ऊपर तोप लगा रखी है और दो चार तोप का मुंह तो आपके महल की तरफ को भी है। अच्छा ऐसा कैसे हो जाएगा, उन्होंने तो पूछा ही, वही तो मैं कह रहा हूँ, पूछा नहीं आपसे, आपसे तो पूछना चाहिए था, ऐसा कैसे वो कर सकते हैं। अच्छा एक काम करो, उनसे बोलो उन तोपों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, वो तोप तत्काल हटाई जाए। चलो जी कह दिया, अब हटा दो जी तोपों को। चलो जी पहुंचा वहां पे, एक फरियादी पहुंचा, अपना एक दूत बना के भेजा, उसने कहा नुक जी ऐसे ऐसे बात है, तोप हटाओ, महाराज ने बोला है। अब फ्रांसीसियों को तो डर था, वो उनको अंग्रेजों को तो डर था फ्रांसीसियों से, क्योंकि उनका तो अच्छा 36 का आंकड़ा चल रहा था उस दौरान।
तो उन्होंने एक वापस लिख के भेज दिया, जो महाराज इनसे आपको डरने, इनसे आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाई है, हमारा फ्रांसिसियो के साथ इस तरह से चल रहा है, आप इससे परेशान ना हो, कोई बात नहीं। महाराज को लगा था कि उधर से संदेश आएगा, हमने हटवा दिए। अब महाराज का अपना नाच गाना चल रहा था, अपना बढ़िया बैठे थे सब लोग, तो महाराज ने तेस में आके बोला, जब वो दूत वापस आया, हाँ पढ़ के सुनाओ क्या है। महाराज ने कहा पढ़कर सुनाओ क्या है। अब वो पढ़ने लगा, बड़ी सभा चल रही है, तो महाराज आप इससे परेशान मत हो, ये तो हमने अपनी सेफ्टी के लिए लगाई है, आपको इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। है ऐसा कैसे हो गया, महाराज के आदेश की अवहेलना, तो उस समय ऐसा समझ लो, और वो भी भरा पब्लिक के सामने, जो सबको पढ़ के सुनाया, मतलब महाराज की कोई इज्जत ही नहीं छोड़ी, उसको बुरा लगा, जाओ अभी पकड़ो सबको, आप बंदी बनाओ सबको, अब हम आते हैं फिर, ठीक है। इस तरह से हुआ, तो ये 1756 में पहुंची, एक छोटी सी टुकड़ी पहुंची है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो तोप वोप तो थी, लेकिन उनका सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था, सेना नहीं थी, तो महाराज की सेना वहाँ पहुंचती है, वो पकड़ती है उन लोगों को, वहाँ बुड्ढे बुड्ढे से जो होते हैं वो रह जाते हैं, वहाँ पे लेडीज रह जाती हैं, जवान जवान से जो है वो भाग जाते हैं, जो भाग सकते थे वहाँ से भाग जाते हैं, रह जाते हैं बच्चे बुजुर्ग और महिलाएं, वो वहाँ पकड़ ली जाती हैं, और वहाँ पकड़ के उनको बंद कर दिया जाता है एक छोटी सी कोठड़ी में। वो कोठड़ी, ये घटना के बारे में प्रमाणिकता नहीं है कि कितना सच है कितना गलत है, लेकिन इतिहासकार बताते जरूर हैं इसमें, जैसे इस घटना का वर्णन एक आदमी ने किया है, काल कोठरी की घटना का वर्णन एक आदमी ने किया, उसका नाम है हॉल बेल ने इसका वर्णन किया, बेल ही आप लिख दो, बेल से याद रख लो, हॉल बेल ने इस घटना का वर्णन किया है, एक आदमी है, इसका साक्षी माना जाता है, इस घटना के बारे में इसने बताया, इसने कहा भाई एक 12x12 का कमरा था छोटा सा, जिसमें जो बहुत सारे आदमियों को इकट्ठा करके, ठीक है, 284 आई थिंक सो, हाँ तो 284 आदमी एक 12x12 के कमरे में भर दिए, आप सोचो कैसे भरा जा सकता है, छोटे से कमरे में इतने आदमी कैसे भरे जा सकते हैं, तो ये कहा जाता है कि उनको बंद कर दिया गया, तो ये इतिहास प्रमाणिक है नहीं है, प्रमाण नहीं है इस घटना का, घटना तो है प्रमाण नहीं है इसका, एक आदमी ने इस घटना का वर्णन किया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं जी, बाद में एक दिन बाद महाराज आते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ पे उसमें जब वो कोठरी खोली जाती है, दम घुटने के कारण कुछ लोग मारे जाते हैं, कहते हैं कि एक आदमी बचा, कुछ इतिहासकार इसमें मतभेद रखते हैं। ये घटना हुई अंग्रेजों के साथ, जिसके बाद से थोड़ा सा शुरू हुआ किस्सा बढ़ना। अब इस घटना के बाद अंग्रेजों ने अपने इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने इस अपमान का बदला लेने का सोच लिया, और इस घटना का बदला लेने का फैसला लिया 1757 में प्लासी के युद्ध से। प्लासी का जो युद्ध था बच्चों, वो जो प्लासी का युद्ध था वो लॉर्ड क्लाइव ने लड़ा था, प्लासी का युद्ध लॉर्ड क्लाइव ने लड़ा था, लॉर्ड क्लाइव अंग्रेज था जो यहाँ पे उस दौरान उपस्थित था, लॉर्ड क्लाइव यहाँ से भागने में सफल रहा, अगले ही साल लॉर्ड क्लाइव सिराजुद्दौला से बदला लेने के लिए आ जाता है, और बदला भी वो ऐसे नहीं लेता, दिमाग से इन्होंने खेल खेला है, वैसे तो ये जीत नहीं पाते, ये क्या करता है रातों रात संधि कर देता है, वो पता करता है कि इसका सेनापति कौन है, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है, इसका पता करता है कि चलो भाई पता करते हैं सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है, पाया जाता है इसका सेनापति है मीर जाफर नाम का एक आदमी है जो सेनापति है, तो लॉर्ड क्लाइव संधि से किसी भी प्रकार पैसे देके किसी को लॉर्ड क्लाइव जो है मीर जाफर को बुलवा लेता है, और मीर जाफर से कहता है नुका जी आप तो बड़े सक्षम हो, क्योंकि उसको पता था कि सेनापति ही मेन होता है, आप तो बड़े सक्षम आदमी हो, आप तो उसको मतलब पहले कनेक्ट करता है खुद से, नुका आप तो बहुत अच्छे हो, आपको तो राजा होना चाहिए था, नुका देखो हम हमला तो कर ही रहे हैं, हमला तो हमें फिर भी करना है, अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, और दूसरी चीज़ आपको हम राजा बनाएंगे, हमारे राजा आप ही होगे, हमें राजपाट नहीं करना, ना हमें राजपाट में पढ़ना है, हमें राजा वाजा नहीं बनना है, हमें बस क्या है, हमें शांति से व्यापार करना है, और जो कि सिराजुद्दौला ने हमें करने नहीं दिया, आप राजा होगे हमें आराम से व्यापार करने देना, आप राजा बने रहना। तो ये इस तरह की एक संधि हो जाती है प्लासी के युद्ध से पहले ही मीर जाफर से, और ये कहा जाता है कि युद्ध में प्लासी का युद्ध होता तो जरूर है, लेकिन युद्ध में जो होता है वास्तविकता में एक नाम भर का एक युद्ध होता है, जिसमें एक तरफ से मीर जाफर खड़ा होता है, दूसरी तरफ से लॉर्ड क्लाइव खड़ा होता है, और दोनों एक दूसरे की आंख में देख रहे होते हैं, और दोनों को सब पता होता है कि करना क्या है, पहले से ही कुछ डिसाइडेड होता है, युद्ध होता जरूर है लेकिन युद्ध का अंजाम सब कुछ पहले ही डिसाइडेड होता है लगभग।
और होता भी वही है, इसलिए मीर जाफर हार जाता है, इसका मतलब सिराजुद्दौला हार जाता है और जीत जाता है कौन, लॉर्ड क्लाइव, पहली अंग्रेजों की विजय और पहला कॉन्फिडेंस जो हमारे ही लोगों की गलतियों के कारण अंग्रेजों को मिला। इस तरह से लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला को पकड़ लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और उसकी जगह गद्दी पर बैठा दिया जाता है किसको, मीर जाफर। और मीर जाफर कुछ भी नहीं है, अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है, मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है, मीर जाफर कुछ भी नहीं है, मीर जाफर क्या है, बस अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है। बाद में इसका एक जो होता है, इसका एक साला होता है तेज सा, ठीक है, नहीं साला नहीं दामाद, इसका एक दामाद होता है तेज सा, उसका नाम है मीर कासिम, वो मीर कासिम तेज है। मीर कासिम क्या करता है, मीर कासिम अंग्रेजों के पास पहुंचता है, उसको अंग्रेजों की बात समझ में आ जाती है, वो थोड़ा अंग्रेजों को जान जाता है कि अंग्रेज करते क्या है, अंग्रेजों को पैसे से मतलब है, वो ये समझ जाता है मीर कासिम। मीर कासिम क्या करता है, अंग्रेजों के पास पहुंच जाता है, कहता है आपने, आपको इतना रेवेन्यू मिल रहा है, आपके हिस्से में इतना रेवेन्यू आना चाहिए था, मतलब जो आपको यहाँ से मिल रहा है मीर जाफर के यहाँ से, आपको इतना रेवेन्यू मिल रहा है जबकि वास्तविकता में इससे दोगुना रेवेन्यू आपका आना चाहिए था यहाँ से। अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा, क्योंकि जी वास्तविकता में तो ये स्थिति है और इसके अनुसार रेवेन्यू की स्थिति जो है, जो टैक्स मिलना चाहिए इस राज्य से इतना मिलना चाहिए आपको। क्योंकि अच्छा आप देखो, मेरे को अगर मेरे अंडर में होती चीजें तो मैं आपको दुगना रेवेन्यू देता, मतलब लालच दे दिया अंग्रेजों को, क्योंकि उनको पता है कि ये उसी से मानेंगे, ये नस पकड़ गया अंग्रेजों की। इसलिए मीर जाफर को तुरंत हटाया जाता है और उसकी जगह मीर कासिम को गद्दी पर बना दिया जाता है, मीर कासिम गद्दी बन जाता है, मीर जाफर आराम से हट जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली है। कोई बात नहीं, मीर कासिम बन जाता है, मीर कासिम एक दो महीना तो उनको टैक्स देता है, पर वो टैक्स इतना ज़्यादा था कि वो दे ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो अंग्रेजों को भी जाता था। अब कोई बात नहीं जी, अब मीर कासिम को लगता है यार ये तो अंग्रेज मानेंगे नहीं, तो वो क्या कर देता है, राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर देता है अपनी ही तरफ से। वो ये चाहता है कि यहाँ ना रहूँ मैं यहाँ ना रहूँ अंग्रेजों के आसपास, इनसे दूर हो जाऊँ ताकि मुझे सुविधा रहे, इनके क्षेत्र से बाहर निकल जाऊँ। राजधानी परिवर्तन की घोषणा करते ही अंग्रेजों को समझ में आती है ये आदमी तो तेज है, बिना पूछे राजधानी परिवर्तन की घोषणा कर दी, अच्छा ऐसा कैसे, एक काम करो हटाओ इसको, मीर कासिम को हटाओ, पुनः मीर जाफर को बना दिया जाता है, पुनः मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है। तो दोबारा से मीर जाफर राजा बन जाते हैं, बन गया जी राजा। अब मीर कासिम बौखला गया, अरे ऐसे कैसे कर दिया, हटा कैसे दिया मुझे, जब ये हटाया तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये हटाया तो इसको चिंगारी लग गई। अब इस चिंगारी को बदला लेने के लिए मीर कासिम ऐसे मानने वाला नहीं है, मीर कासिम बदला लेना चाहता है। मीर कासिम पहुंचता है भारत के बादशाह के पास जो कि दिल्ली में बैठता है, उस दौरान भारत का बादशाह होता है शाह आलम सेकंड। वो शाह आलम सेकंड से बताता है मीर कासिम, ने कहा जी मेरी आप मदद कर सकते हो, आप ही भारत के बादशाह हो, आप ही न्याय करो, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, बिना किसी गलती के हटा दिया करा, मैंने राजधानी परिवर्तन करी थी। अच्छा वो जो फरियाद लेकर आता है, कोई भी फरियाद लेकर आता है तो फरियादी की बात सुनी जाती है, तो शाह आलम सेकंड क्या करता है, एक छोटी टुकड़ी इसको दे देता है लड़ने के लिए, भाई जा तू लड़ ले। मीर कासिम लड़ता है अपनी सेना के साथ, और मीर कासिम का एक और दोस्त भी होता है, उसका नाम है सिजाउद्दौला। इस बार सिजाऊ है, सिजाउद्दौला जो है वो इसका दोस्त होता है। मीर कासिम अपनी सेना, सिजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब होता है, अवध की सेना और शाह आलम सेकंड की एक छोटी सी टुकड़ी के साथ, ये तीनों मिलाकर ये पहुंच जाते हैं युद्ध के मैदान में बदला लेने के लिए। और ये घटना है कब की, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये 1756 के बाद 1757 प्लासी का युद्ध, ये आप मैंने बता दिया, ये घटना है 1764 की, 1764 में ये युद्ध है बक्सर में, ये युद्ध है बक्सर का युद्ध है जो कि 1764 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया, ये लड़ा गया बच्चों मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और सिजाउद्दौला एक तरफ, और दूसरी तरफ से लड़े अंग्रेज। इस तरह से ये युद्ध लड़ा जाता है, होता इसका भी परिणाम वही है, अंग्रेज तब तक अपना एक स्थायी सेना बना चुके होते हैं और उसी के कारण अंग्रेज जीत जाते हैं, शाह आलम सेकंड भी हार जाता है, मीर कासिम भी हार जाता है, सिजाउद्दौला भी हार जाता है। उसी के बाद 1765 में इन तीनों के साथ संधि होती है,
संधि करनी पड़ती है, ठीक है, संधि करनी पड़ती है। 1765 में संधि होती है, इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। 1765 में एक संधि होती है बच्चों, इसे इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि में शाह आलम सेकंड पर जुर्माना लगता है। शाह आलम सेकंड से जुर्माने के रूप में एक टैक्स के रूप में शाह आलम सेकंड क्या करता है, शाह आलम सेकंड से इलाहाबाद, जो कि शाह आलम सेकंड के अंडरटेकिंग था, किराए पर ले लिया जाता है इलाहाबाद, एक वार्षिक किराए पर। तो वार्षिक किराए पर इलाहाबाद को भी अंग्रेजों ने ले लिया शाह आलम सेकंड से। मीर कासिम को बंदी बना लिया जाता है। सिजाउद्दौला पर भी अच्छा खासा टैक्स वसूला जाता है। इस तरह से ये 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध से इनका क्या होता है, पूरी तरह से बंगाल पर इनका प्रतिनिधित्व, पूरी तरह से इनका वर्चस्व शुरू होना स्थापित हो जाता है। ठीक है जी, समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको।